सर, उपचुनाव में महागठबंधन में कुछ खिचपिच हो रहा है, मगर आपको सहयोग मिल रहा है कि नहीं आपकी लड़ाई में? नहीं, हमके लिए तो जो लोग हैं उसको बोले हैं, जो आजीव है सो, हाँ हाँ, जो आजीव है सो सब बोल रहे हैं। हमारे लिए डॉक्टर साहब भी बोले, हमारे लिए टुन्ना पांडे जी भी भाजपा के थे सो बोले, हमारे लिए ये रघुवंश बाबू भी बोले, सब लोग बोले। हाँ, महागठबंधन से मुकेश साहनी जी भी बोले, मांझी जी भी बोले, सब लोग बोले मेरे लिए। हाँ, सब लोग बोले, हाँ सब लोग, काहे कि सत्य बात ना है, झूठ बात नहीं ना है सर। आप भी जान रहे हैं कि कितना सत्य है और कितना झूठ है। आप लोग देख लीजिए कि ये लोग खुद अपने, अच्छा ये पूछताछ के कर रहा है, ये पूछताछ वह पुलिस वाला कर रहा है जो आपको हम ऑडियो सुनाए थे कि जो हत्या करके कन्हैया का उसको सीएम की तरह निकाला। तो उस समय तो एएसपी लिपिया सिंह थी वहाँ के, बाढ़ के, तो कौन निकाला है उसको हत्यारा को, और ललन सिंह का नाम ले रहा, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, कहाँ गया वो ऑडियो क्लिप? उसका कोई जाँच नहीं। अभी तो रुकिएगा ना, अभी इतना ऑडियो क्लिप निकालेंगे ना कि इन लोग के तो जांच करते करते परेशान हो जाएंगे ये लोग। हाँ, ये लोग को देखिए, विधायक जी के लिए ये लोग के माननीय विधायक के साथ ऐसा बर्ताव, आतंकवादी बना रहा है उनको, यही लोग अपराधी बनाते हैं। ये लोग जैसे नेता लोग अपराधी बनाते हैं, जो इन लोग का जो सरकार है, क्या करते हैं विधायक जी भाई? जनता का सेवा, और इनको जो है आतंकवादी का है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, उसकी सजा पता चल जाएगा इन लोग को, पता चल जाएगा। न्यूज़ से बात करने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीधे तौर पे बता रहे हैं, अनंत सिंह के परमाणु हैं, आज एक बड़ा विस्फोट करना चाहते थे, मगर मौसम का मिजाज देखकर और पटना की हालत देखकर आज इस पोस्टपोन कर दिया गया है इस बम धमाके को। मंगलवार को उम्मीद है कि ये धमाका होगा और तब शायद सरकार की नींव फिर से एक बार हिलाने का प्रयास करेंगे बंटू सिंह। बने न्यूज़ बिहार पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी। धन्यवाद।